नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का एचपी एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज है 22 दिसंबर, तो आज हम इस वीडियो में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की ताज़ा खबरें हम इस वीडियो में जानेंगे और हाईकोर्ट अपडेट भी जानेंगे दोस्तों। और आपके लिए है इसमें खुशखबरी, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए। और देखने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 68,500 शिक्षक भर्ती या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आता हूँ, आपके लिए खबरें लेकर आता हूँ, या फिर कोई भी स्टडी नोट्स वीडियोस आपके लिए लाना होता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये चैनल दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए ही है। तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती में आप नियुक्ति ले चुके हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की खबरें। तो दोस्तों, आज की खबरें में पहला है ये है कि दिसंबर तक शिक्षक भर्ती की कॉपियों का हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन। और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षक भर्ती में 31,000 अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया था, इनमें से 21,000 से अधिक का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है और बाकी 9,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन 31 दिसंबर तक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दो जो है पुनर्मूल्यांकन आपका दिसंबर तक हो जाएगा आपका, जो कि आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आने वाला है पुनर्मूल्यांकन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। नेक्स्ट खबर ये है दोस्तों कि पंजीकरण का आज अंतिम दिन, आवेदन कल तक। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण शनिवार शाम तक कराया सकेंगे। हालांकि आवेदन रविवार को भी हो सकेंगे और उसी दिन प्रिंट भी निकाल सकते हैं और TET 2018 का संशोधित परिणाम शुक्रवार दोपहर में वेबसाइट पर अपलोड हो गया है और अब करीब 20,000 अभ्यर्थी और दावेदार कर सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए पंजीकरण। वह ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई गई समय सीमा शनिवार शाम को पूरी हो रही है और पहले 20 दिसंबर की शाम 6 बजे तक पंजीकरण होना था। शासन ने निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर शाम 6 बजे तक कर दी है। हालांकि आवेदन 23 दिसंबर तक भी होंगे और उसी दिन अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंट भी निकाल सकेंगे। अब तक करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और अब 20,000 नए दावेदार भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस परीक्षा के लिए कुल आवेदकों की संख्या करीब 4.5 लाख रहने का अनुमान है। तो इसमें 4.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे दोस्तों, ठीक है। एक खबर यह आई है दोस्तों, 5 लाख पंजीकरण और 4 लाख आवेदन, तो 4 लाख आवेदन हो चुके हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए गुरुवार शाम 7:30 बजे तक 5,02,600 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। नेक्स्ट खबर है ये दोस्तों कि नवनियुक्ति शिक्षकों से हलफनामा लेकर वेतन भुगतान के निर्देश। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्ति शिक्षकों का जल्द वेतन भुगतान कराने की कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने युक्ति निकाली है। वह अभिलेखों का ऑनलाइन व ऑफलाइन सत्यापन करने की स्टाम्प पेपर पर हलफनामा लेकर वेतन भुगतान के निर्देश दे रहे हैं। इस प्रक्रिया का सभी जिलों में अमल होते ही शिक्षकों को जल्द भुगतान होने के आसार बढ़ गए हैं। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत करीब 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के सभी जिलों में हुई है और चयनित शिक्षकों को सितंबर माह में ही नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। अफसरों ने उनका वेतन भुगतान कराने के लिए 3 बार सभी BSA को पत्र भेजा कि उनके अभिलेखों का सत्यापन जल्द कराया जाए। इसके बाद भी BSA ने तेजी नहीं दिखाई और इसलिए 3 माह से शिक्षकों को वेतन का इंतजार रहा है। इस मामले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उजागर किया और इसका असर यह रहा कि अब कुछ जिलों ने शिक्षकों को जल्द वेतन दिलाने का दूसरा रास्ता निकाला है। 41,000 शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन, कुछ जिलों ऑनलाइन ऑफलाइन अभिलेख सत्यापन के साथ निकाला रास्ता। तो उन्नाव के BSA BK शर्मा ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापन ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्यालय में प्राप्त हो गए हैं, उनसे ₹100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित हलफनामा लिया जाएगा और जिससे यह उल्लेख होगा कि शैक्षिक व अभिलेख फर्जी या कूट रचित
पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और वेतन के रूप में भुगतान की धनराशि की रिकवरी राजस्व की तरह की जाएगी और प्राप्त करके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। और आदेश में यह भी लिखा है कि वेतन आदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस आधार पर कुछ और जिलों में भी वेतन भुगतान आदेश हो रहे हैं, इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। दोस्तों यही खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जो वेतन आपका आने वाला है जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और दोस्तों आपसे ये निवेदन है कि आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल मिलता है और ऐसे ही रोज़ाना आपके लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट खबर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, सिर्फ अंकों में संशोधन वाले न करें आवेदन। देखिए सचिव ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में शामिल हुए थे और सफल होकर ऑनलाइन कर चुके हैं, संशोधित रिजल्ट में यदि उनके अंकों में संशोधन हुआ है तो उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है और उनका पहले हुआ आवेदन मान्य होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूपी टेट पहले पास हो चुके हैं वो अभ्यर्थी अब की दोबारा से संशोधन आवेदन ना भरें और ना ही हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो आवेदन आपको पहले भर चुका है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे भी पूछा कि क्या सर हमें दोबारा से भरना पड़ेगा क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं भर चुके हैं, तो क्या हमें भी अब दोबारा से जो वो मार्क्स हैं बढ़े हुए हैं यूपी टेट के जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ चुके हैं वो जो है हमें क्या वो अपडेट करने होंगे उसमें, तो अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर देखिए ये सचिव का बिल्कुल आदेश है, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वही रहने दीजिए, आपका वही आपका मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली खबर जो है ये विज्ञप्ति आई है, ठीक है, विज्ञप्ति आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति। तो यहाँ पर वही आई जो संशोधन की है, ये जो डेट जो है चेंज हुई है उसकी संशोधन विज्ञप्ति है कि 22 तक यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है और निर्धारित समय जो 23 बार है आपकी शुल्क की है और 24 तारीख आपकी आवेदन प्रिंट करने की है, ठीक है दोस्तों, ये वही विज्ञप्ति आई हुई है। तो दोस्तों आपको ये सारी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों इससे कि आप इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कैसी लगी वीडियो, ये भी कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और डाउट है तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा दोस्तों, कोई भी अच्छे से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।